Hi, hello, assalamu alaikum friends. Welcome back to my YouTube channel, Food is Good with Ziba. I hope you all are fine and doing well and enjoying my videos. तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी मसालेदार बिरयानी. तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो चलिए बनाते हैं. तो ये मैं बनाने जा रही हूँ हाफ के जी चिकन और हाफ किलो मैंने चावल को ऑलरेडी सोक कर दिया है. तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने लिया 250 ग्राम दही लिया है और कुछ सूखे मसाले इसमें ऐड करूँगी, जिसमें है नॉर्मली जो हम घर के मसाले यूज़ करते हैं, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर है और ये है बिरयानी मसाला जो है होममेड और हाफ टी स्पून मैंने इसमें यूज़ किया है हल्दी. तो सबसे पहले हम करेंगे चिकन को मैरिनेट, जिससे कि जब बिरयानी तैयार हो तो चिकन जो है फुली अच्छे से कुक्ड हो और बहुत ही अच्छे से मैरिनेशन के बाद ही बिरयानी का मज़ा आता है. तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल रेड टमाटर और 1 टेबल स्पून के तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट. इसके बाद इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हाफ के जी चिकन. तो जब भी चिकन की बिरयानी बनाएं तो बड़े पीसेस की बनाएं, जिससे कि चिकन की जो बूटियाँ हैं वो टूटे नहीं. तो इसमें एक मुट्ठी भरकर फ्रेश धनिया की पत्ती रखी और उसके हाफ क्वांटिटी में मैंने पुदीना की पत्तियों को कट करके इसमें मिला दिया है. अच्छे से हाथों से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन और सारे मसाले. इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था, वो ऐड कर लिए. तो अगर जो लोग सोचते हैं कि जब हम बिरयानी बनाते हैं मसाला कम क्यों रहता है, तो जब आप इस क्वांटिटी के हिसाब से बनाएंगे तो आपकी बिरयानी में बहुत सारा मसाला और बहुत ही टेस्टी अलग तरीके की बिरयानी बनकर तैयार होती है. इसके बाद मिक्सअप करने के बाद मैंने इसको एक टिफ़िन में करके फ्रिज में रख दिया. 4 घंटे के बाद ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और अच्छे से बोटियों पे मसाला और बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही थी. तो सबसे पहले हमें करना है चिकन को कुक. तो ये मैंने सरसों का ऑयल रख दिया है, जिस पतीली में मैं लेयरिंग करूँगी उसी पतीली में मैं बनाने जा रही हूँ इस चिकन को. तो कोई भी मैं ऐसा मसाला नहीं ले रही हूँ खड़े गर्म मसाले, क्योंकि मैं जब चावल को बॉयल करूँगी उसमें यूज़ करूँगी. तो बस सरसों को ऑयल रखने के बाद ये जो मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन था मैंने इसको ऐड कर दिया. और मैं उस टाइम मैरिनेशन के वक्त कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड नहीं की थी, तो मैं इस टाइम इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छे से कुक्ड हो चुका है और टेंडर हो चुका है. तो यहाँ मैंने चिकन को 80% तक के तकरीबन कुक किया है, क्योंकि जब हम बिरयानी को दम लगाएंगे तो वो ऑलरेडी उसमें कुक्ड हो जाएगा. तो चिकन हो रहा है कुक. इधर मैंने पानी गर्म कर लिया है क्योंकि चावल ऑलरेडी सोक हैं हाफ एन आवर पहले, और हाफ के जी मैंने चावल लिया है. तो पानी में मैंने डाल दिया है खड़े गर्म मसाले, जिसमें हैं बड़ी इलायची, छोटी इलायची, गोल काली मिर्च, लौंग और आप तेज़पत्ता भी ऐड कर सकते हैं. और इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून नमक और हाफ स्लाइस लेमन का, जिससे कि चावल जो हैं बहुत ही अच्छे खिले खिले बॉयल्ड हों और बिरयानी के चावल जो हैं टूटे नहीं. तो जैसे ही ये बॉयल हो जाएगा मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी. और इधर जैसे ही चिकन कुक्ड हो जाएगा मैं इसमें से जो हाफ चिकन है वो उसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि लेयरिंग करते वक्त हम पहले चिकन की, फिर चावल की, फिर चिकन और फिर चावल, इस तरह से लेयरिंग कर देंगे. तो बहुत ही बेहतरीन पुदीने की खुशबू आ रही थी. तो फ्रेंड्स, आप लोग तैयार हैं ना इस विंटर्स में ये मसालेदार चिकन बिरयानी बनाने के लिए? तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं. और इधर देखिए आप, चावल भी ऑलमोस्ट कुक्ड हो चुके हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना ये चावल क्या होंगे, स्टिक हो जाएंगे और टूटने लगेंगे. तो चलिए अब हम करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस बिरयानी का, लेयरिंग का. तो नीचे ऑलरेडी चिकन के साथ मसाला है और अब मैं इस पर डाल रही हूँ चावल. तो चावल से मैंने जब पूरे चिकन को ढक दिया है, अब मैंने इसके ऊपर अगेन चिकन ऐड कर दिया. चिकन के ऊपर मैं डालूंगी नींबू के स्लाइसेस, हरी मिर्च बीच में से सिलेक्ट करके, और आप चाहें तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं स्लाइस में,
और इसमें डालूंगी मैं रोज़ वाटर, आप चाहें तो केवड़ा वाटर भी, बहुत ही फ्यू ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप इसमें डाल सकते हैं, जिससे बिरयानी की जो खुशबू है बहुत ही अलग सी और बहुत ही ज़्यादा हो। तो इसके बाद चिकन डालने के बाद सारी वेजीज जो हैं जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। इसके बाद मैं अगेन इसके ऊपर से चावल डालूंगी, और चावल डालने के बाद फ्रेंड्स अब मैंने इसके ऊपर रख दिया था मिंट लीव्स और ब्राउन ऑनियंस जो मैंने फ्राई किए थे, और हरी मिर्चों को रख रही हूँ, लेमन को स्लाइस करके रख दिया है। अब ये बिरयानी जाएगी दम पर, वो भी 7 से 8 मिनट के लिए, जिससे कि जो राइस है और जो चिकन है अच्छे से दम पर जाएं और अच्छे से कुक्ड हो जाएं। सो बस ये आप लोग के लिए तैयार है ज़बरदस्ती मसालेदार बिरयानी, बहुत ही इजी वे में था। तो अगर कोई बिगनर्स है या कोई बैचलर्स है बनाना चाहता है चिकन बिरयानी, तो इस तरह से बनाएं और इन्जॉय करें। और अगर मेरे जो चैनल पर नए व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले जाए। तो बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।